हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अपने आसपास जो पौधे हैं उनकी देखभाल जरूर करें, और कोई ना कोई पौधा आप अपने घर में लगाएं या बाहर लगाएं तो ऐसा पौधा जरूर लगाएं, एक एक या दो या पांच या दस, जितनी आपकी इच्छा हो। जो आप जितने एनवायरनमेंट प्रेमी हो तो उस हिसाब से पेड़ जरूर लगाएं, एनवायरनमेंट की रक्षा का वचन लें और अपने जो आसपास के पौधे हैं उनका भी ख्याल रखें। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम ये प्रण ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिल्ली की बड़ी खबरें। तो पीएम मोदी को धमकी भरे फोन पर रात भर तलाशी के बाद हिरासत में एक दिल्ली के शख्स को लिया गया है। तो फोन करने वाले से पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया था, जिसकी पहचान सलमान उर्फ अरमान के रूप में की गई है। इससे पहले वह उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में पाया गया। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो संक्रमण दर 36% तक पहुंच गई थी, अब वह घटकर 1% से भी नीचे है। तो दिल्ली ने आज पिछले 24 घंटों में 523 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं, जो कल के 487 मामलों में मामूली वृद्धि थी। पिछले 24 घंटों की पॉजिटिविटी रेट में भी 0.61 से 0.68 की मामूली वृद्धि ही देखी गई है। दिल्ली में भी कोविड-19 के कारण 50 मौतें दर्ज की गई, जिसमें कि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 24,497 हो गई है। दिल्ली अनलॉक होगा 7 जून से। तो 7 जून से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू होने की संभावना है, और बाजार फिर से खुलने और कार्ड पर भी दुकानें भी शॉप्स भी खुलने के पूरे आसार हैं। तो हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि गतिविधियों को आंशिक रूप से एक सप्ताह के लिए फिर से खोला जाएगा। अगर दिल्ली में नए कोविड मामलों में कोई उछाल दिखा तो शहर को फिर से बंद कर दिया जा सकता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना वायरस महामारी की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को उन्होंने दो बैठक करने वाले हैं। तो दो बैठक उन्होंने कल की हैं, सॉरी शुक्रवार को की हैं। तो केजरीवाल के कार्यालय में एक ट्वीट में भी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री 11 बजे विशेषज्ञ समिति और 3 बजे तैयारी समिति से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अब घर बैठे ही आप अपना लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट आवेदक जो है वो दे सकते हैं। आपको एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल से गुजरना होगा, उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, और फिर आप बुनियादी यातायात नियमों पर 10 मिनट की लंबी परीक्षा और कलर ब्लाइंडनेस पर एक अलग परीक्षा आपको देनी होगी। एक बार लागू होने के बाद आवेदक को लर्नर लाइसेंस टेस्ट देने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO का दौरा नहीं करना पड़ेगा। और एक बार जब वह ऑनलाइन परीक्षा पास कर लेता है तो आवेदक को एक ई लर्नर लाइसेंस ही प्राप्त होगा, जो 6 महीने के लिए वैध होता है। जब भी आप लाइसेंस बनवाते हैं दोस्तों, तो पहले आपका लर्नर्स लाइसेंस बनता है, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो ये सारी प्रक्रिया उसके लिए है, फिर उसके बाद आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो बनता है। दिल्ली में अगले सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने वाला है, तापमान में भी वृद्धि की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और शनिवार और रविवार को 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली के निवासियों द्वारा मेरठ में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए लगभग 70% टीके स्लॉट्स बुक किए गए हैं। आधिकारिक दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने खुराक की कमी का हवाला देते हुए 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है। उसके बाद दिल्ली के लोग मेरठ में स्लॉट्स अपने बुक करवा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 5G तकनीक के मानव और पर्यावरण पर प्रभाव के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि यह याचिका मीडिया प्रचार के लिए थी, मीडिया पब्लिसिटी के लिए थी। और अदालत ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को दे याचिकाकर्ता पर 20 लाख की अतिरिक्त लागत भी लगाई है। 20 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है जूही चावला पर। दिल्ली में अब तक 1044 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, और एक और कोविड का सीरो सर्वे करवाएंगे उज्जैन ने कहा है। ये दिल्ली सरकार ने छात्रों ने निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क लेने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। तो DOE ने भी तर्क दिया है कि शुल्क वसूलना आय बढ़ाने का एकमात्र स्रोत नहीं है, इसलिए इसके विपरीत कोई भी अवलोकन न केवल निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के हित के लिए हानिकारक होगा, बल्कि उन्हें विनियमित करना भी मुश्किल होगा। DOE ने कहा है कि अगर स्कूल अनियमित है तो वे अपनी मर्जी और पसंद के अनुसार अपनी खुद की फीस संरचना का निर्धारण करेंगे, इसलिए यह कर्तव्य के लिए बाध्य था कि वे फीस के रूप में चार्ज किए जाने के लिए आवश्यक शुल्क के अलावा किसी अन्य शुल्क की अनुमति ना दें।
दिल्ली विश्वविद्यालय कोविड-19 द्वारा अनाथ छात्रों को शुल्क माफी प्रदान करने की संभावना है, क्योंकि डीयू ने वर्तमान में विश्वविद्यालय के तहत आने वाले कॉलेजों को एक सर्वेक्षण करने और उन छात्रों की सूची तैयार करने के लिए कहा है जहां पे एक या दोनों माता पिता को कोरोना वायरस में जिन्होंने खो दिया है। दिल्ली अनलॉक जो शुरू हो चुका है तो उससे प्रवासी श्रमिक कारखानों के रूप में लौटने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स फिर से शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में 7 जून तक यही गाइडलाइंस, उसके बाद अगली गाइडलाइंस आएंगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जांच भी जल्दी करेगी कमेटी, ये सिसोदिया जी का कहना है। सरकार द्वारा गठित पैनल को परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे के मानदंड तय करने का काम भी सौंपा जाएगा। तो ये थी कुछ दिल्ली की न्यूज। इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।